वेलकम टू साइंस नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। आते हैं आज हम लोग कुछ बीएससी बीएचयू बीएससी के जो एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है क्या, पहले हम ये समझना है हमको कि मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमें ये पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी बताई जाए या उसकी फॉर्मेलिटी बताई जाए, तो वही हम उसको मटेरियल प्रॉपर्टी में डिनोट करते हैं। या तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर के आसपास में जो पोल्स हैं, बीम हैं, यहाँ तक कि ब्रिज बन रहे हैं, वो किस बेस पे, उसमें कौन सा मटेरियल लग रहा है, यहाँ तक कि जिस घर में आप बैठे हैं उस घर में, ठीक है, जो बीम है उसमें कौन सा मटेरियल यूज, क्या सिर्फ कंक्रीट यूज किया जा रहा है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले लोग सॉइल से बने हुए यूज करते थे, घरों को, घरों में रहते थे जिसमें सॉइल से बने हैं, मिट्टी से बने हुए घरों में रहते थे, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, और आज के समय में ये जितने भी हाईटेक हमारे टावर्स हैं, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानने के लिए हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना कंपलसरी है, ठीक। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है क्या और किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है, पहला टॉपिक होता है कि वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। हमारा पहला टॉपिक क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद किस में, तो फॉर्मेशन पे, किस पे, फॉर्मेशन पे, फॉर्मेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो बन कैसे रहा है और हमें बनाना क्या है, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर जिस मटेरियल से वो बन रहा है वो बताएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। पहला आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट, किससे बनेगा, हमारा फॉर्मेबिलिटी से, कि कैसे वो बन रहा है। तो पहला टॉपिक आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारा क्या है, ठीक है, आप सोच सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटी है। तो हमें यह पता चला कि कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब कैपेसिटी की बात हम कर रहे हैं, और कैपेसिटी दो ही तरीके से हम यहां मेजर करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मेट में। किसमें, किसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मेट में। तो पहला हमारा आता है स्ट्रेस। क्या आता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम लोड लगाते हैं, ठीक। अब कहेंगे कैसा लोड लगाएंगे, तो हो सकता है कि किसी वेट, किसी वेट को रख रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट पे। लाइक हमारा, जैसे मान लीजिए ये बीम है, ठीक, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट का हम लोड लगा रहे हैं, मान लीजिए एक ईंट ही रख रहे हैं, तो ये लोड है कैसा, ये लोड हमारा कैसा है, पर्टिकुलर इसका वेट ही होगा। वेट मतलब क्या होता है, mg, क्या होता है हमारा, mg। तो कि वो एक तरीके का क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसका, ठीक है, इस पे वो ऑब्जेक्ट जो लोड लगा रहा है, जिस पर्टिकुलर एरिया में लगा रहा है, वही उस पर्टिकुलर एरिया का जो मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म हो रहा है वही स्ट्रेस है। अब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट पर अगर हम कहते हैं, तो कहते हैं कि लोड पर यूनिट एरिया, क्या कहते हैं हम, लोड पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक। तो लोड पर यूनिट एरिया का मतलब हमारा है कि लोड हम कैसे दिखा रहे हैं, तो हम लोड यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे पी से, ठीक, पी है, ठीक है। इसके बाद एरिया कितना है, एरिया हमारा तो जितना रिलेट कर रहा है एरिया, एरिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस, क्या कहते हैं, स्ट्रेस, ठीक। तो हमको पता चला स्ट्रेस क्या है, तो होता है लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक। अब देखते हैं स्ट्रेस के जो पैटर्न है किस किस टाइप के हैं। तो हमारा जो स्ट्रेस है, पहला स्टेटमेंट लेते हैं टेंसाइल। क्या लेते हैं, टेंसाइल। जब किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी मटेरियल पर हम दो अपोजिट साइड से फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए इसी मार्कर पे लगा रहे हैं, दो बाहर की तरफ खींचना चाहते हैं, तो बाहर की तरफ जब खींच रहे हैं इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम बाहर की तरफ दोनों तरफ अपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफॉर्म कर रहे हैं। भाई लंबाई तो बढ़ेगी, अगर मान लीजिए नहीं बढ़ी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है ब्रिटल हो, टूट जाए, ठीक है। तो अगर जो डिफॉर्मेशन है इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो होता है टेंसाइल, ठीक। अगला आता है कंप्रेशन। लाइक टेंसाइल में हम क्या कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक। तो यहां पर दोनों तरफ से हमारा फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और दोनों अपोजिट्स में, तो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ बड़ा होगा, मतलब इलोंगेट हो रहा है लेंथ,
लेंथ क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, बढ़ रहा है, इसकी हाइट क्या हो रहा है, इसका लेंथ बढ़ जा रहा है। तो हमारा क्या है, ये हमारा है टेंशन। क्या है, टेंशन। अगर हम कहें ऑब्जेक्ट पे हम कौन सा लोड अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कर रहा है तो किसके वजह से कर रहा है, तो टेंशन की वजह से। किसकी वजह से, टेंशन। हाँ, वो आपका पर्टिकुलर टेंशन नहीं जो आप किसी और चीज को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं हमारा कंप्रेशन क्या है, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब ये है कि यही अगर हम उल्टा कर दें, यही हम उल्टा कर दें, चलिए लोड दोनों अपोजिट की समय डायरेक्शन में लग रहा था, अब लोड हम क्या कर दें, सेम डायरेक्शन लगा देते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इलोंगेशन के जगह पे रिडक्शन होने लगेगा। रिडक्शन होगा किसके में, उसके लेंथ में। इसकी वजह से इसका डायमीटर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये कंप्रेस्ड होगा। लाइक एज दोनों तरफ से हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, दोनों की तरफ, अंदर की तरफ हम प्रेस करेंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, कम होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, कंप्रेशन था। क्या था हमारा, कंप्रेशन। अब अगले टर्म पे आते हैं शियर। क्या शियर, शियर भी एक तरीके से स्ट्रेस लगाया जाता है, लेकिन एक तरीके का क्या है, प्रॉपर एक तरीके का स्ट्रेस है जो कि हम दो प्लेट को जोड़ने के लिए लगाते हैं। मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरा ये प्लेट है, और इस दोनों प्लेट को जोड़ दिए, ठीक है। तो लाइक एज देखिए यहां पे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेट को हम जोड़ दिए हैं। ये प्लेट पे हमारा फोर्स का डायरेक्शन इधर है, दूसरे वाले प्लेट पे फोर्स का डायरेक्शन, प्रेशर का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ये प्लेट चाहेगा कि इस सर्किट, इस प्लेट को तोड़ के आगे निकल जाए, ठीक है। तो इसके वजह से इसके कॉन्टेक्ट एरिया में जितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो इसका क्या है, शियर स्ट्रेस है। क्या है, शियर स्ट्रेस है, ठीक है। अगला हमारा आता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम एक डायरेक्शन फिक्स कर दें और दूसरे डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। लाइक एज कि हम किसी भी आपके आसपास रखे हुए, आप पेन, जिस पेन को लेके बैठ के पढ़ रहे हैं उस पेन पे देखिए, अगर वो पेन नॉर्मल आपका है 3 या 2 रुपीज का, तो देखेंगे उस पर फोर्स लगाएंगे, जो प्लास्टिक का पेन है, जो फाइबर पॉलीमर से बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेंड हो रहा है। क्या कर रहा है, बेंड हो रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो क्या है, लिमिट के बाहर का फोर्स लगा, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाहर का फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो टूट जा रहा है। तो क्या है, इलास्टिक लिमिट के आपको अंदर का फोर्स लगाते हैं तो बेंड होगा, फिर छोड़ देंगे तो अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग क्या है, बेंडिंग अगर हम एक ऑब्जेक्ट का एक पोर्शन क्या कर दें, स्टेबल कर दें या फिक्स कर दें, और दूसरे डायरेक्शन पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो बेंड कर जाता है, जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो आज का जो सेशन था हमारा वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। आपको आई होप कि आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक चाहिए या इससे आगे भी चाहिए आपको कोई पढ़ने के लिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं और अगला टॉपिक आपके लिए जल्दी है। हमारे चैनल साइंस नेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना जरूर, शेयर जरूर करिए, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है कॉमर्स नेशन, और एक और चैनल है आर्ट नेशन। कॉमर्स आपके आसपास या आपके घर में कोई कॉमर्स से रिलेटेड है और उसे आपको कॉमर्स से कुछ भी टॉपिक चाहिए, हालांकि आप टॉपिक पहले तो जाके आप चैनल को देख सकते हैं, आपको 90% टॉपिक्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर उसमें नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका वीडियो कब तक आएगा या इसका वीडियो कब अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमारे दिए गए नीचे लिंक में आप जो चैनल का है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।